हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैक। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजी ले में हम किस तरह से रेडियो बटन को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले फाइल बनाया हुआ है जिसका नेम है रेडियो डी, और एक उसका आरपीजी ले प्रोग्राम है रेडियो आर नेम से। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉल करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम इसका सोर्स कोड चेक करेंगे। तो कॉल करते हैं इसको। तो इस तरह से कुछ यूआई है जिसमें हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, और फिर हमने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको हम रेडियो बटन से सेलेक्ट करेंगे। और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट, ऊपर मैंने हेडिंग ली है, और यहाँ पे हम जेंडर सिलेक्टेड बाय यूजर के आगे हमने एक आउटपुट फील्ड लिया हुआ है जिसमें जो भी हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे उसका आउटपुट हमारे को एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ दिखेगा। तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं फीमेल और इस पर एंटर हिट करते हैं। तो एंटर हिट करते ही यहाँ पर लिखा गया फीमेल, और ये हमने इस पे रेडियो बटन सेलेक्ट किया था। अब मैं अगर मेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेल पे सेलेक्ट किया और एंटर हिट किया, तो यहाँ पे आ गया मेल। तो इस तरीके से रेडियो बटन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सोर्स कोड। तो सोर्स कोड से पहले हम देखते हैं डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल में सबसे पहले के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो टॉप मोस्ट हेडिंग है ये मैंने लिखी है, ये जो लिखा है ये हमने सोर्स कोड प्रोग्राम के थ्रू लिखा हुआ है, तो इसको एक बार के लिए आप लीव कर सकते हो। तो इतना स्पेस आप एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे फिर हम लिखा है, ये वाली लाइन हमने ऐड की स्क्रीन के थ्रू जिसमें हमने लिखा जेंडर सिलेक्टेड बाय यूजर, और एक ये आउटपुट फील्ड बनाया जिसमें आउटपुट फील्ड का नेम दिया हमने चॉइस, तो 20 लेंथ का जो ये हम आउटपुट शो करने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। ये अलग से हमने किस तरह से ऐड किया ये हम सोर्स प्रोग्राम में देखेंगे क्योंकि ये सोर्स प्रोग्राम के थ्रू ऐड किया हुआ है। तो हम देखते हैं सोर्स प्रोग्राम, साथ में इसके लिए एक इंडिकेटर भी हमने यूज़ किया है जो एग्जिट के लिए है, जो है CF03। तो जैसे ही CF03 को प्रेस करेगा तो हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सोर्स प्रोग्राम में हमने क्या चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फाइल पे ऑप्शन लोड टू सोर्स फॉर उसका सोर्स प्रोग्राम देखने के लिए, और यहाँ पे यहाँ से लाइन नंबर 0.90 जो है इसमें देखिए। तो यहाँ पे मैं F4 लेता हूँ, तो जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है SNG CHG CHCFLD। तो ये होता है सिंगल चॉइस फील्ड। तो इस कीवर्ड की हेल्प से हम रेडियो बटन बनाते हैं। इसको हम कुछ भी एक नेम देते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम जेंडर सिलेक्शन के लिए बना रहे थे उसको मैंने नेम दिया जेंडर। इसकी लेंथ देते हैं 2Y। डेटा टाइप ये क्या होता है, शिफ्ट वाई डेटा टाइप होता है, शिफ्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो वैसे ये जोन वैल्यू को ही होल्ड करता है, तो आप इसमें F1 करके देख सकते हो जो भी डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी के लिए हम वाई ले रहे हैं। फिर डेसिमल पोजिशन में मैंने लिया 0, और यूज़ में हम लेते हैं B, और लाइन लेते हैं 4, और पोजिशन लेते हैं 10। तो इस तरीके से ये वैल्यूज पुट करने के बाद में उसके बाद में ये हम पहला डिफाइन करते हैं, उसके बाद में हम लेते हैं चॉइस। चॉइस कैसे लेंगे, F4 करते हैं। तो चॉइस वाले के लिए हम फंक्शन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं 1, और कोट के अंदर जो वैल्यू हमारे को देना, तो ये सिंबल आप लगाओगे, उसके बाद में जो भी वैल्यू को टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके उससे हमारे को पता चल जाएगा कि कौन सी चॉइस हम ले रहे हैं। फिर सिमिलरली इसी लाइन को रिपीट करके आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं, और ये तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से यही टेक्स्ट हमारे को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्क्रीन पे हमारे को दिखता है मेल, फीमेल और अदर, ठीक है। तो अब हम इसको प्रोग्राम देखते हैं। इसका प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रोग्राम में सिंपल है, इसमें एक हमने रेडियो डी नेम से जो हमारी डिस्प्ले फाइल है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद में हमने एक लूप चलाया है जब तक स्टार IN03 ऑफ है, और फिर हमने उस स्क्रीन को जो हमारा रिकॉर्ड फॉर्मेट है उसको डिस्प्ले करा दिया। बाद में हम सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट में हम चेक कर रहे हैं कि अगर जेंडर, ये हमारे को डिस्प्ले फाइल के सोर्स में हमने जो जेंडर डिफाइन किया था वहाँ से मिल रहा है, उसकी वैल्यू 1 है तो चॉइस में मेल डाल दो, जो हमारा आउटपुट फील्ड था उसमें मेल डाल दो। अगर 2 है तो फीमेल डाल दो, और 3 है तो अदर डाल दो। उसके बाद में हमने एंड एसएल को क्लोज किया हुआ है, और एंड डू को क्लोज करा हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में स्टार INR इक्वल्स टू स्टार ऑन। तो अब इसको कॉल करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये प्लीज सेलेक्ट जेंडर, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट है,
टेक्सचर में जो हेडिंग के लिए है, और एक हमारा ये टेक्स्ट है। यहाँ पे हमने एक आउटपुट फील्ड बनाई है, तो जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी मैंने सिलेक्ट किया मेल, एंटर हिट किया तो यहाँ मेल आ गया। अगर हम सिलेक्ट करते हैं फीमेल, एंटर हिट करते हैं तो ये आ गया फीमेल। वापस से हम मेल सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो मेल। तो इस तरीके से हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।